गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में अभी फिलहाल हमें कटरा में और आज हमारा सेकंड डे। तो आज निकलेंगे यहाँ से दर्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग। देखिए भी सुबह भी निकले से और ये मेरे पीछे हैं वैष्णो देवी माता जी, ये देख सकते हैं यहाँ पीछे। और अब निकलेंगे यहाँ से, रेडी वेडी हो गए और मैं जा रहा हूँ फिलहाल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बस स्टैंड के पास जो है कटरा में। तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सभी फैमिली के साथ। तो निकलते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए यहाँ से निकल गए रूम से। तो फिलहाल अभी हैं हम कटरा में और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया, देखा हुआ अपने व्लॉग में। तो निकल गए फैमिली के साथ और ऐसे देखते हैं ब्लॉग को आप। देखिए फाइनली पहुंचे तारागोट के रास्ते में, यहाँ से चढ़ाई है। ये लगे हुए हम रास्ते में माता वैष्णो देवी के लिए। तो ये जो ट्रैक है ये है 14 किलोमीटर का और ये नया ट्रैक चालू करा गया है, इसका नाम है ताराकोट। तो ताराकोट के रास्ते निकलेंगे आज और सबके सब रास्ते लगे हुए। तो यहाँ से देखिए आप पूरा फुल व्यू कटरा का और इस रास्ते आए ऊपर और अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ है और रास्ते लगे हैं ऐसी। तो चलते हैं इसी के साथ आगे। देखिए अर्धकुमारी यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और स्ट्रेट रास्ता है, रास्ता बहुत मतलब ठीक है रास्ता है, मतलब ना इतना बेकार रास्ता नहीं है, देख सकते हैं प्लेन रास्ता है और इजीली कर सकते हैं आप। आइए वैष्णो देवी दर्शन करिए, बाकी ऐसे देखते रहिए ब्लॉग को। तो ये देखिए मीटिंग पॉइंट है अर्धकुमारी और दूसरा रास्ता उस तरफ से है, तो उधर से भी लोग आ रहे हैं। इधर एक यहाँ से रास्ता है, तो दो दो रास्ते देखिए। तो ये देखिए पूरा रास्ता और फुल व्यू ऑफ कटरा। देखिए ये रास्ता क्रॉस करके यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी आधा रास्ता बचा हुआ है। तो देखिए अभी भी रास्ते लगे हुए हैं और कुछ देर में पहुँचने वाले हैं माँ वैष्णो देवी सामने। देखिए देखिए थक गया है, इससे नहीं हो पा रहा। तो देखिए फाइनली पहुंचे हैं माता जी के द्वार पे और अब निकलेंगे आगे और दर्शन करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप फुल व्यू माता वैष्णो जी की यहाँ। तो निकलते हैं आगे, दर्शन करते हैं आगे, देखते रहिए आप वैष्णो ब्लॉग को।
देखिए सामने अभी दर्शन करके आए हैं और देखिए काफ़ी भीड़ है इस तरफ को, तो अब यहाँ से निकलेंगे भैरव बाबा की तरफ और यहाँ से देखते हैं अगर ट्रॉली में जाएंगे तो देखते हैं, नहीं तो फिर निकलते हैं पैदल। तो ऐसे देखते हैं ब्लॉग को। देखिए अभी लंच करके निकले फिलहाल भैरव बाबा की तरफ और पैदल का रास्ता है, यहाँ से 3 किलोमीटर रास्ता है तो पहुँचते हैं ऊपर। तो देखिए फाइनली पहुंचे हैं भैरव बाबा के मंदिर में और काफी भीड़ है देखिए इस तरफ को। और यहां से व्यू दिखाते हैं आपको, काफी अच्छा नजारा है यहां से। और यहां से व्यू देखिए आप माता वैष्णो देवी का। तो अब यहाँ से करेंगे दर्शन और उसके बाद निकलेंगे कुछ देर में और सुबह के निकले हुए हैं 7 बजे के और लगभग यहाँ पे हमें लग गए 2:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी टाइम लग गया आने में। और देखिए धूप देखिए कितनी तेज है मेरे बैग में, तो चलते हैं दर्शन करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। तो देखिए फाइनली निकले यहाँ से भैरव बाबा मंदिर से देखिए, और यहाँ से है 11 किलोमीटर लगभग, और अगर वैष्णो देवी की साइड से जाते हैं हम तो यहाँ से है 14 किलोमीटर। तो निकलेंगे यहाँ से और मिलते हैं आपको रास्ते में फिर। ये फाइनली पहुंचे हैं अभी अर्थ कुमारी और यहाँ से लगभग अभी भी होगा 8-9 किलोमीटर का रास्ता, तो चलते हैं इसी के साथ आगे, मिलते हैं आपको आगे। देखिए फाइनली अभी आए बर्गर किंग में और अभी आए फिलहाल यात्रा करके और काफ़ी थकान लग गई है, तो अपना करते हैं डिनर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से अमृतसर और मिलते हैं कुछ देर बाद आपको ऐसे ही फिर ब्लॉग को। फाइनली निकल रहे हैं कटरा से और कटरा से हम निकल रहे हैं अमृतसर और हमारे यहाँ से बस है और बस से निकलेंगे और इस ब्लॉग को मैं करूँगा कंटिन्यू अगले ब्लॉग में। मिलते हैं जल्दी आपको ऐसे देखते हैं ब्लॉग को और मिलते हैं फिर बाद में।